गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई वेलकम यू ऑल ऑन द MCIT डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो हम क्लोनिंग को डिस्कस करेंगे, एंड जब हम क्लोनिंग की बात करते हैं तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक्चुअल में हूबहू प्रतिलिपि बनाई जाती है, या हम बोल सकते हैं एग्जैक्ट कॉपी का फॉर्मेशन किया जाता है। तो जब क्लोनिंग की बात ही की है तो हमें पता है क्लोनिंग जनरली चार टाइप्स की हो सकती है। फर्स्ट टाइप इज जीन क्लोनिंग, ठीक बात है। सेकंड टाइप की बात करेंगे तो हम बोलते हैं सेल क्लोनिंग। थर्ड टाइप की बात करेंगे तो हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्मल क्लोनिंग, किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्लोनिंग, ऑर्गेनिज्मल क्लोनिंग। एंड फोर्थ टाइप की बात करेंगे तो उसे हम थेराप्यूटिक क्लोनिंग भी कहते हैं, ठीक है। ऑलरेडी ये चीज़ क्लियर है। नाउ फर्स्ट हम बात करेंगे जीन क्लोनिंग की, क्योंकि एक्चुअल में जीन क्लोनिंग हम PCR की हेल्प से करते हैं। PCR इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो जब जीन क्लोनिंग हम PCR की हेल्प से करेंगे तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, देखिएगा, दो हैं 5' से 3' 3' से 5', हमेशा DNA डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, ठीक बात। जब हम बोले DNA डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में है, दैट मीन्स उसे हम सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में उसे कन्वर्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है, प्रोसेस है डीनेचुरेशन के थ्रू, ठीक है। डीनेचुरेशन के थ्रू हम कन्वर्ट करेंगे। अब दूसरी चीज़, ये तो हमने बोल दिया कि डीनेचुरेशन से कन्वर्ट किया जाता है, बट यहाँ पर देखेंगे डीनेचुरेशन पे टेम्परेचर काफ़ी हाई दिया जाता है। डबल स्ट्रैंडेड से ये सिंगल स्ट्रैंडेड में चेंज हो जाएगा इसमें, यानी कि दोनों जो हैं स्ट्रैंड्स वो सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। नाउ अगर मैं बोल रही हूँ कि सेपरेशन हो रहा है, तो सेपरेशन के रिजल्ट में हमको क्या होगा, जब ये सेपरेट हो जाएंगे तो एनीलिंग होगी। सेकेंड स्टेप PCR का इज एनीलिंग। एनीलिंग में देखिए ये DNA प्राइमर्स यहाँ पर पड़े हैं, ये DNA प्राइमर्स ऐड हो जाते हैं, यानी कि ये 5' एंड है और ये 5' एंड है। हमेशा DNA प्राइमर्स जो ऐड होते हैं वो मोस्टली, अगर हम बात करें तो किस डायरेक्शन में ऐड होते हैं, तो वो 5' डायरेक्शन में ऐड हों, ठीक बात है। नाउ दूसरी चीज़, प्राइमर्स ऐड होने के बाद यहाँ देखो, ये देखो, ये न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियोटाइड है, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो प्राइमर्स एक बार ऐड हो गए, फिर लास्ट स्टेप आता है एक्सटेंशन, यानी कि इन्हीं प्राइमर्स के आधार पर बाद में एक्सटेंड किया जाता है चीज़ों को और बढ़ाया जाता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो ये डायरेक्शन ये है और ये डायरेक्शन ये है, राइट। अब न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे और न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होने के साथ साथ PCR कंप्लीट हो जाएगा। तो PCR में इस तरह से साइकिल्स चलती रहती हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस हैं, यानी कि चेन में चल रहे रिएक्शंस, एंड साइकिल में चलते चलते क्या करते हैं, ये एक्चुअल में DNA को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, या उनकी मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं रेप्लिकेशन करवा के, ठीक है। सेकेंड आता है, तो जीन क्लोनिंग की बात हुई, ये था फर्स्ट। सेकेंड, हम बैक्टीरियल के थ्रू भी क्लोनिंग करवा सकते हैं जीन की। जीन क्लोनिंग का एक इम्पॉर्टेंस ये रहता है कि जब जीन क्लोनिंग करवाई जाती है उस कंडीशन में, नॉर्मली हम कहते हैं जीन क्लोनिंग के टाइम पे जनरली मेडिसिन्स की, जिनसे मेडिसिन्स बनती है, ऐसे जीन्स का भी क्लोन करवाया जा सकता है। सो बैक्टीरिया के रिजल्ट में हम ड्रग्स का या ड्रग्स बनाने वाले जीन्स को भी क्लोन करवा सकते हैं ईजिली, राइट। नाउ अब बात करेंगे सेकेंड की। सेकेंड आता है सेल क्लोनिंग। सेल क्लोनिंग में सिर्फ सेल की क्लोनिंग नहीं होती है, इवन सेल के साथ साथ टिश्यू की क्लोनिंग भी हो सकती है, यानी कि सेल और टिश्यूज़ की क्लोनिंग करवाई जाएगी तो उसे सेल क्लोनिंग।
सेल क्लोनिंग मैकेनिज्म जो है वो सिर्फ इतना सा है कि एक सेल है, उस सेल के एज इट इज़ हूबहू प्रतिलिपि बनवा रहे हैं, तो उस सेल के एज इट इज़ क्लोन्स बनवा रहे हैं, उसी को हम बोलेंगे सेल क्लोनिंग। और सेल क्लोनिंग जो है वो मैकेनिज्म हाइब्रिडोमा टेक्निक जो होती है उसमें काफ़ी यूज़ आता है। हाइब्रिडोमा ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हाइब्रिड्स का निर्माण किया जाता है, हाइब्रिड्स बनवाए जाते हैं, हाइब्रिड सेल्स बनवाए जाते हैं। तो कैसे बनवाए जाएंगे देखेंगे। हमने क्या किया है एक्चुअल में, स्प्लीन सेल्स लिए हैं। किससे लिए हैं स्प्लीन सेल्स? माउस से लिए। माउस से स्प्लीन सेल्स में से भी हमने कौन से सेल्स लिए हैं? बी सेल्स लिए हैं, ठीक है। बी सेल्स को लिया है, बी सेल्स को जब हमने लिया है तो यहाँ हम देखेंगे बी सेल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि बी सेल्स आगे जाकर एंटीबॉडीज़ को बनवा सकते हैं, ठीक है। और जब हम एंटीजन्स दे रहे हैं इनको, एंटीजन्स जब हम बाहर से दे रहे हैं माउस को, तो बी सेल्स हम निकाल रहे हैं बाहर एंटीजन्स देने के बाद, ठीक है। ले लिए। एक और सेल्स जो हम ले रहे हैं वो है माइलोमा सेल्स। माइलोमा सेल्स कैंसर सेल्स होते हैं और कैंसर सेल्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। सो लिए हमने स्प्लीन सेल्स, बी सेल्स, हमने लिए माइलोमा सेल्स दैट इज़ कैंसर सेल्स। अब क्या कर रहे हैं हम, इन दोनों सेल्स का फ्यूजन करवा रहे हैं। जब इन दोनों सेल्स का फ्यूजन करवाएंगे तो देखिए दो अलग अलग कलर के सेल्स हैं, फ्यूज हो गए यहाँ पे इन दोनों सेल्स का। इस तरह से सेल्स का फ्यूजन हो रहा है एंड फ्यूजन के बाद एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? हाइब्रिडोमा टेक्निक है तो हाइब्रिड सेल मिलेगा, ठीक बात है। एंड हाइब्रिड सेल्स में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पॉजिटिव कल्चर करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव कल्चर कराने के बाद हम क्या देखेंगे, इन्हीं सेल्स को हम चेक कर रहे हैं अगर कोई ऐसा है जिसमें पूरे हेल्दी होने के गुण हैं जो आगे जाकर एक्चुअल में एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर सकता है, एंटीबॉडीज़ बना सकता है, उसको हम बोलेंगे हेल्दी सेल, या फिर हम बोल सकते हैं पॉजिटिव टेस्ट उसने पास किया है। तो सपोज़ मैंने बात की कि ये पॉजिटिव था, तो इस पॉजिटिव वाले ने अपने आप को एक्सपेंड करवाया है। कैसे करवाया है हमने? क्योंकि उसे न्यूट्रिएंट मीडिया दिया था। न्यूट्रिएंट मीडिया ऐसा मीडिया है जो न्यूट्रिशन के साथ प्रेजेंट होता है और उसके अंदर हम ग्रोथ करवा सकते हैं सेल्स की। सो इस न्यूट्रिएंट मीडिया में हमने क्या किया, सेल्स की ग्रोथ करवाई। जब इस न्यूट्रिएंट मीडिया में सेल्स को ग्रो करवाया गया या सेल्स की ग्रोथ करवाई गई, तब एक चीज़ देखी गई इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर सेल्स एक जैसे बन रहे हैं, यानी कि ये सारे क्या हैं, इस सेल के, इस वाले सेल के क्लोन्स हैं ये सारे के सारे। एंड क्लोन्स क्या होते हैं? एग्जैक्ट कॉपीज। तो इनको हमने कब बनवाया है? जब इन्होंने पॉजिटिव टेस्ट दिया। बाकियों के क्लोन हमने नहीं बनवाए, सिर्फ इसी के एक बनवाए हैं, वो भी ग्रोथ मीडिया में बनवाए हैं, ठीक है, जहाँ पे ग्रोथ हो सके उस मीडिया में बनवाए हैं। प्लस इसका काम क्या रहेगा? इसका काम सिर्फ इतना सा रहेगा कि ये अपने नंबर को इंक्रीज़ करें। अब नंबर इंक्रीज़ करने के बाद, हूबहू कॉपीज़ बनवाने के बाद, हम इसे प्रोपेगेट करते हैं, आगे और बढ़ाते हैं। एंड प्रोपेगेट हम इन वीवो भी कर सकते हैं, यानी कि किसी एनिमल की बॉडी में भी कर सकते हैं एंड लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं। तो इन वीवो है तो ऑर्गेनिज्म में करवा रहे हैं, इन विट्रो है तो हम कहाँ करा रहे हैं? लेबोरेटरी में, राइट। अब देखोगे यहाँ से प्रोपिगेट करवाने के बाद हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ निकाल लेंगे या हार्वेस्ट कर लेंगे। हार्वेस्ट मीन्स निकालना, ठीक है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को कलेक्ट कर लेंगे। नाउ मेन काम हाइब्रिडोमा टेक्निक का क्या हुआ? हाइब्रिड सेल बनाना, हाइब्रिड सेल के बाद उन्हें टेस्ट करना, टेस्ट करने के बाद उनके क्लोन्स बनाना, एंड उनके क्लोन्स बनवाने के बाद सिंपल एट लास्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करवाना। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो हो गया, ठीक है, हमने देख लिया। क्यों कह रहे हैं हम इसे मोनोक्लोनल? एंटीबॉडी तो बनेगी, बी सेल है तो एंटीबॉडी बनेगी, और माइलोमा सेल क्या करेगा, उसे और ग्रोथ करवाएगा, उसके डिवीजन को, या हम बोल सकते हैं इस प्रोसेस को फास्ट करवाएगा, क्योंकि माइलोमा सेल्स कैंसर सेल्स हैं।
कैंसर सेल्स का काम क्या है, फास्ट डिवीजन करवाना, रैपिड डिवीजन करवाना, तो इस तरह से ये फास्ट डिवीजन को करवाएंगे। बट क्वेश्चन ये आता है कि इन्हें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्यों कहा जाता है, तो इन्हें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इसलिए कहा जाता है बिकॉज मोनोक्लोनल, नाम से ही पता चल रहा है मोनोक्लोनल है, इसका मतलब है मोनो मीन्स एक ही सेल के क्लोन्स हैं। यहाँ हम देख रहे हैं पिंक कलर का स्ट्रक्चर को देख रहे हो, इसी के क्लोन्स हैं सारे के सारे, तो इसे हम बोलेंगे मोनोक्लोनल। ठीक है, एक ही सेल के क्लोन्स हैं और उन्हीं से एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं, यानी कि एंटीबॉडीज़ में भी सिमिलैरिटी प्रेजेंट रहेगी, डिसिमिलैरिटी नहीं रहेगी, समानता रहेगी। तो एंटीबॉडीज़ क्या हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं। ठीक बात है, तो इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, वही चीज़ है, माउस एंटीजन दिया गया, माउस को चैलेंज किया गया एंटीजन से, यानी कि इसे एंटीजन दिया जा रहा है, वही स्प्लीन सेल्स, बी सेल्स, माइलोमा सेल्स, कैंसर सेल्स है, फिर फ्यूजन करवाया इनका, फ्यूजन के बाद हाइब्रिडोमास बन गए। ठीक है, इन्हें कल्चर कराया गया पॉजिटिव सेल्स के लिए हैट मीडियम में। ठीक है, हैट मीडियम में, मीडियम का नाम है हैट मीडियम, एंड उसके बाद यहाँ से एंटीबॉडीज़ को हार्वेस्ट किया गया, निकाला गया, एंड एंटीबॉडीज़ एज अ रिज़ल्ट हमें मिल गए। ठीक है, यह है हमारा हाइब्रिडोमा टेक्निक। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं जीन क्लोनिंग, सेल क्लोनिंग हो गई, अब थर्ड स्टेप आता है हमारा ऑर्गेनिज्म की क्लोनिंग। सो एज अ रिजल्ट ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग की बात करेंगे। थर्ड पॉइंट, ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग में आप देख रहे हैं यहाँ पर एडल्ट बीइंग क्लोन्ड है, उससे स्किन सेल्स लिए हैं। ठीक है, ये जो है ये वाइट है, ये ब्लैक फेस शीप है और ये भी ब्लैक फेस शीप है। ठीक है, दोनों फेस शीप क्या हैं, ब्लैक। ठीक है, बाकी सब वाइट हैं। अब देखोगे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, देखेंगे एडल्ट जिसे क्लोन करवाना है, जिसका क्लोन बनवाना है, उससे हमने लिए हैं स्किन सेल्स, यानी कि इसका न्यूक्लियस तो हमें चाहिए ही चाहिए, तभी क्लोन बन पाएगा, तो हमने इस सेल को ऐसे कैसे ले लिया। दूसरे स्टेप में ब्लैक शीप से हम ले रहे हैं अनफर्टिलाइज्ड एग सेल, जो कि फर्टिलाइज्ड नहीं है, अनफर्टिलाइज्ड कंडीशन में। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ अनफर्टिलाइज्ड एग सेल, सो इससे हम ले रहे हैं अनफर्टिलाइज्ड एग सेल जो अभी तक फर्टिलाइज नहीं हुआ है, ओसाइट का सेल है। ठीक है, अब इसमें से तो हमें क्या करना है, न्यूक्लियस को रिमूव करना है, न्यूक्लियस को हटाना है, और फिर खाली सेल को, इन्यूक्लिएटेड सेल को, जो एग सेल है एक्चुअल में, इस एग सेल को हमें इस स्किन सेल से फ्यूज़ कराना है, तो फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन के बाद हम न्यूट्रिएंट मीडिया में इसका डिवीजन कराएंगे, सेल डिवाइड हो रहे हैं, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज या ब्लास्टुला की जो अवस्था होती है, ब्लास्टुला अवस्था में हम क्या करेंगे, अब सरोगेट मदर है, सरोगेट मदर में इम्प्लांट करवाएंगे, यानी कि क्या बोल सकते हो इम्प्लांट को, इम्प्लांट करवाएंगे। ठीक है, सरोगेट मदर की यूटेरस में इम्प्लांट करवाया जाता है और उसके बाद एज अ रिजल्ट क्लोन्ड एनिमल हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्लोन किसकी जैसा है, जिससे हमने स्टेम सेल्स लिए हैं उसके जैसा ही। अब जब ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग की बात करते हैं अपन, तो ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग के टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है, एंड दैट इज़ कि SCNT टेक्निक को यूज़ किया जाता है। ठीक है, SCNT टेक्निक का फुल फॉर्म है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। ठीक बात है, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक,
क्यों बोल रहे हैं हम इसको सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक? बिकॉज इस टेक्निक में सोमैटिक सेल जो है इसका यूज़ होगा। ठीक बात है, किसका यूज़ होगा इस टेक्निक में? सोमैटिक सेल का। और सोमैटिक सेल का क्या यूज़ होगा ये भी देखेंगे। तो जो सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस है वो ही आगे जाएगा। अभी अभी हमने डायग्राम देखा था, सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस ही ट्रांसफ़र किया जा रहा है और ट्रांसफ़र करने के बाद उसका ही एक इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा, तो इसे नाम दिया गया सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक, SCNT। SCNT की बात करते हो तो SCNT में देखोगे स्टेप्स होते हैं अलग अलग। सबसे पहले सेलेक्शन ऑफ डोनर, डोनर को सेलेक्ट किया जाता है। एंड डोनर को जब सेलेक्ट किया जाता है तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी कि डोनर सेलेक्शन के टाइम पे जो दाता कोशिकाएं हैं दो टाइप की होती हैं, एक स्टेम सेल वाली जिनमें स्टेम सेल की प्रॉपर्टी है आगे का जाके ग्रो कर सकती हैं वो वाली, और दूसरी वाली होती हैं एग सेल वाली। ठीक है, तो दोनों के लिए क्या किया जाता है? डोनर को चूज़ किया जाता है। इसमें मोस्ट प्रोबेबली फीमेल ही होनी चाहिए बिकॉज फीमेल में ही एग सेल्स मिलेंगे जो कि अनफर्टिलाइज्ड होते हैं या ओसाइट मिलेंगे, बट स्टेम सेल्स के लिए ज़रूरी नहीं है हम फीमेल का यूज़ करें। राइट, तो स्टेम सेल्स के लिए हम स्टेम सेल कोई सा भी ले सकते हैं। सेकेंड स्टेप होता है, पहली बात तो डोनर को सेलेक्ट करने से पहले ये देखा जाता है वो हेल्दी है या नहीं है। ठीक है, उसमें कहीं डिजीज़ तो नहीं है, बहुत सारी डिजीज़ होती जो डोनर को हो सकती है तो उसमें डिजीज़ तो नहीं है, बीमारियों से तो दूर है, हेल्दी तो है इंडिविजुअल, वीक तो नहीं है कहीं, या फिर ज़्यादा एज्ड तो नहीं है, ज़्यादा एज्ड भी नहीं लिया जाता तो यहाँ पर ये देखा जाता है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे हम कि ई न्यूक्लिएशन किया जाता है। ई न्यूक्लिएशन जो है वो प्रोसेस माइक्रोपिपेट्स के द्वारा किया जाएगा, माइक्रोपिपेट या माइक्रो सक्शन या सक्शन पिपेट कुछ भी बोल सकते हो इसको। यहाँ पे बीच में सेल रखा जाता है, ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके थ्रू बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो सक्शन पिपेट भी इसे नाम देते, सक कर लेता है बिकॉज ये न्यूक्लियस को और हटा देता है इससे न्यूक्लियस को, तो सक्शन पिपेट नाम देंगे। नाउ क्योंकि टेक्निक ई न्यूक्लिएशन है तो ई न्यूक्लिएशन सिर्फ किसका होता है? इसका, इस एग में से न्यूक्लियस को बाहर रिमूव कर दिया जाएगा और ये सिर्फ एग ऐसे कैसे बचे। ठीक, स्टेम सेल तो है ही, स्टेम सेल स्किन सेल ले सकते हैं, मेमोरी ग्लैंड सेल ले सकते हैं, जो भी स्टेम सेल की प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, ये ऐसे कैसे। अब थर्ड स्टेप देखेंगे क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या हो सकता है? फ्यूजन। फ्यूजन किसी, इन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा इस तरह से, ये दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे और बाद में एक ही सेल बन जाएंगे इस तरह से। ठीक है, फ्यूजन की जब बात करते हैं तो फ्यूजन PEG की प्रेजेंस में हो सकता है, पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से हो सकता है, और क्योंकि संगलन है, संगलन हम कोई भी चेंज करेंगे तो हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ वायरस भी होते हैं जो फ्यूजन में हेल्प करते हैं, जैसे वायरस सेंजाइट। ठीक बात है, तो वायरसेस भी फ्यूजन में हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे हम, फोर्थ स्टेप है, फ्यूजन के बाद आता है ग्रोथ। ग्रोथ करवाया जाता है, ग्रोथ के लिए जैसे ये फ्यूज्ड सेल आया हमारे पास, ठीक है, इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज हैं, दोनों की, दोनों फ्यूज हो गए, संगलित हो गए, संगलित होने के बाद ये ग्रो करेंगे, किस में करेंगे? न्यूट्रिएंट मीडिया में ही ग्रो कर सकते, तो ये ग्रो करेंगे न्यूट्रिएंट मीडिया में, और न्यूट्रिएंट मीडिया में जब ये ग्रो करेंगे तो धीरे धीरे इनका साइज बढ़ने लगेगा। ठीक है,
इस तरह से सेल्स बढ़ने लगेंगे इनके, ठीक है। साइज तो बड़े नहीं बढ़े, सेल्स ज़रूर बढ़ने लगते हैं, सेल्स का नंबर बढ़ने लग जाता है। और एक बाद कुछ टाइम बाद ये किस में बदल जाता है, ब्लास्टुला में बदल जाता है, ठीक है। सेल्स का नंबर बढ़ेगा, ठीक है। अब ब्लास्टुला देखोगे तो ब्लास्टुला स्टेज में ही इम्प्लांटेशन हो सकता है। तो फिफ्थ स्टेप जो है हमारा वो है इम्प्लांटेशन, प्रत्यारोपण। इम्प्लांटेशन की जब आप बात करते हो तो इम्प्लांटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो भी ब्लास्टुला है उस ब्लास्टुला को किसी शीप की यूटेरस में बोल सकते हो, या फिर जो भी ब्लास्टुला है उसे किसी शीप की यूटेरस में, यूटेरस हमेशा फीमेल में होती है तो फीमेल शीप ही होगी, या एक और वर्ड इसके लिए यूज़ किया जा सकता है सरोगेट मदर, सरोगेसी या सरोगेट मदर में इम्प्लांट किया जाएगा यूटेरस में, ठीक है। इम्प्लांटेशन हो जाएगा यूटेरस में, देन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, उसके बाद बेबी प्रोड्यूस हो सकता है। बट इम्प्लांटेशन चेक करने के लिए डॉली शीप में, ब्लैक फेस शीप में किया गया था, ठीक है। जो ब्लैक फेस थी, वाइट फेस में नहीं किया गया, ब्लैक फेस में किया गया था ताकि चेक किया जा सके, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो SCNT में काम आते हैं। नाउ SCNT के स्टेप्स तो देख लिए हमने, एक और चीज़ जो आती है वो होती है NT, यानी कि न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। NT बोलो चाहे न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक बोलो, बात बराबर होती है। न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक एक हो जाती है SCNT, एक हो जाती है ECNT। ठीक है, एक SCNT एक ECNT। SCNT सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, ECNT एम्ब्रियोनिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। यानी कि यहाँ पर सोमेटिक सेल को लिया जाता है, यहाँ पर किसको लिया जाता है, एम्ब्रियो को, ठीक है। यहाँ पर सोमेटिक सेल को। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी, वो ये कि ECNT जो है इसमें भी एम्ब्रियो सेल न्यूक्लियस ट्रांसफ़र टेक्निक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एक्चुअल में एम्ब्रियो जो होता है उसके सेल्स को हम लेंगे अगर, तो हम उसे बोलते हैं ECNT। और ECNT एम्ब्रियो के सेल्स को क्योंकि लिया जा रहा है और न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक भी है साथ में, तो सीधी सी बात ये है कि यहाँ पर एम्ब्रियो के सेल्स जैसे हुबहू क्लोन बनवाए जाते हैं और एज अ रिज़ल्ट वैसे के वैसे ही प्रोसीजर चलेगा। देखो जैसे इसके अंदर हमने देखा सोमैटिक सेल का यूज़ है, वैसे इसमें एम्ब्रियोनिक सेल का यूज़ है। एम्ब्रियोनिक सेल में भी पूरी पावर होती है कि वो आगे जाकर न्यू ऑर्गेनिज्म को बना सके, ठीक है। क्योंकि स्टेम सेल की प्रॉपर्टीज उसमें भी होती है, उसमें भी स्टेम सेल के लक्षण देखने को मिलेंगे। तो जब उसके लक्षण देखने को मिलेंगे तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि एम्ब्रियोनिक सेल जो है वो भी आगे जाकर डेवलप हो सकता है, डेवलप हो जाएगा। नाउ दूसरी चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एम्ब्रियो की सेल्स को लिया जाता है, फिर उन्हें फ्यूज़ करवाया जाता है, फिर उन्हें न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो कराया जाता है। बट एम्ब्रियो के सेल कैसे ले सकते हैं, उसके लिए एक टेक्निक हो सकती है ब्लास्टोमियर सेपरेशन टेक्निक है, ठीक है। कैसे ले रहे हैं हम एम्ब्रियोनिक सेल्स को, जो ब्लास्टोमियर्स बने हैं उन्हीं ब्लास्टोमियर्स को हम सेपरेट करवा देते हैं, और सेपरेट करवा के उन्हें हम बाहर लोकलाइज कर लेंगे या बाहर की तरफ निकाल लेंगे, ठीक है। और निकाल के उन्हीं एम्ब्रियोनिक सेल से न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक परफॉर्म की जाती है, एज अ रिज़ल्ट ऑर्गेनिज्म को बनवाया जाता है कल्चरल मीडिया में, तो उसे हम बोल देंगे एम्ब्रियोनिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र।
टेक्निक, क्लियर है ये वाली चीज? अब नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं, एक नॉर्मल कंडीशन में अगर हम बात करते हैं, तो क्लोनिंग टेक्निक की बात करें, क्लोनिंग टेक्निक या SCNT टेक्निक को बोलोगे, SCNT टेक्निक या क्लोनिंग टेक्निक, क्लोनिंग भी ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग में बात करेंगे, दो तरह से क्लोनिंग मेथड को यूज़ किया जा सकता है। एक होता है रोजलिन टेक्निक, एक होती है होनोलुलु टेक्निक। क्योंकि आप सब जानते हो रोजलिन टेक्निक, रोजलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड में जॉली पे परफॉर्म की गई है, और क्योंकि इंस्टीट्यूट का नाम है रोजलिन, तो उसके आधार पर इसे नाम दिया गया रोजलिन टेक्निक। इस टेक्निक को दो साइंटिस्ट ने बेसिकली किया था, इयान विलमुट एंड दूसरे साइंटिस्ट थे केथ कैम्बल। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे इयान विलमुट एंड केथ कैम्बल। और एक्चुअल में जब फ्यूजन करवाया गया, तो फ्यूजन जो है, संगलन जो है, वो किसकी वजह से करवाया गया था यहाँ पर? इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से करवाया गया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक रिस्पॉन्सिबल था संगलन के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में संगलन हुआ या फ्यूजन हुआ था यहाँ पे। ठीक बात है, तो सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पर डॉली शीप का जो इन्वेंशन हुआ वो रोजलिन टेक्निक से हुआ था। और सिंपल सी चीज़ ये भी है कि यहाँ पर इसे रोजलिन टेक्निक नाम देंगे। ठीक है, नाउ होनोलुलु टेक्निक में हम देखेंगे इसे होनोलुलु क्यों कहा गया, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में परफॉर्म की गई थी। ठीक बात है, यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में प्रिपेयर की गई टेक्निक है, वहाँ पे किया गया, तो वहाँ पे एक्चुअल में क्लोन्स भी बनवाए गए। ठीक है, क्लोन्स बनवाने के साथ साथ जो साइंटिस्ट थे वो थे रियुजो यानागिमाची। देखो हवाई यूनिवर्सिटी है, यानागिमाची। ठीक है, इनके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिन्हें टैरोहे को वाकायामा कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों साइंटिस्ट मिलकर यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में इन्होंने इस टेक्निक को नाम दिया। और इस टेक्निक में जो सेल्स लिए जाते हैं वहाँ पे फ्यूजन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज एक केंद्रक विहीन है, तो केंद्रक विहीन सेल को केंद्रक वाले सेल से फ्यूज़ किया जाता है। यानी कि एक्चुअल में क्या किया जा रहा है, इन दोनों सेल्स को एक दूसरे से इंसर्ट किया जा रहा है, एक दूसरे में इंसर्ट किया जा रहा है। और जब इस सेल की बात करती हूँ मैं, चलो साइंटिस्ट का नाम था टेरुहिको वाकायामा। तो इस सेल की जब बात करती हूँ, तो सेल को G0 या G1 फेज से ही लिया जा रहा है, तो इस कंडीशन में हमें सेल को रेस्ट स्टेज में रखने की ज़रूरत है ही नहीं। तो रेस्ट स्टेज पे सेल्स को रखा ही नहीं जाता है, यानी कि क्विसेंट स्टेज पे इन्हें नहीं रखा जाता, इन्हें फूड से डिप्राइव नहीं किया जाता, इन्हें प्रॉपर फूड दिया जाता है। लेकिन इस कंडीशन में हम फूड नहीं देते सेल्स को, बचा के रखते हैं क्विसेंट स्टेज में। ठीक है,
एक डोमेंट स्टेज में रखते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि कंडीशन क्या है, जी जीरो जी वन से ही निकाल रहे, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जरूरत ही नहीं है उन्हें क्वेसेंट स्टेज के। तो डोजलिन टेक्निक